अरे लंबे लंबे क्या दिख रहे हो तेरे दाल के अंदर। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं अभी मौजूद हूँ घने जंगल के अंदर, जैसे मेरे आसपास आप देख सकते हैं, और मेरे साथ है विजय भैया। और गाइस, हम जा रहे हैं आज धामन मंडा के आगे। कहाँ जा रहे हैं विजय भैया, कुछ बता सकते हो क्या आप? धामन मंडा के पास ही, धामन मंडा के पास जा रहे हैं गाइस। इनके पास भी इतनी जानकारी है, और हमने कुल्हाड़ी विड़ाड़ी रख लिए हैं और अपना टिफिन भी, क्योंकि हमें सर्वाइव करना है 4 घंटे जंगल के अंदर। तो चलिए चलते हैं। गाइस, ये रहा कैंप जिसमें अपन ने बहुत से कूद कूद के वीडियो बनाए थे, और यहाँ कुमरे मुझी मौजूद नहीं होंगे बिल्कुल भी। गाइस, अभी हम मौजूद हैं धामन मंडा के पास। यहाँ से रास्ता गई गाइस, इसके साइड पे है धामन मंडा, जो वहाँ से रास्ता जाता है सीधा निकलता है रूखड़। यहाँ से लगभग 4-5 किलोमीटर होगा रूखड़, और यहाँ से हम जा रहे हैं वाली रोड। यहाँ से हमें लगभग फिर भी 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। सामने सामने हमारे जा रहे हैं चौकीदार, जो कि रिश्ते में लगते हैं जीजा। हमने यहाँ लगभग CBO का काम किया था 2 दिन, और यहाँ देख सकते हैं आप जैसे को इधर कितना चकाचक लग रहा होगा ये जंगल। तो हमने यहीं CBO का काम किया था, जिसका पैसा अभी तक नहीं आया। पैसा क्यों नहीं आया, मैं अभी बात करूँगा उधर जाके शांति से। यहाँ आवाज़ क्लियर नहीं आ गई क्योंकि गाड़ी पे बैठे हैं हम। तो गाइस, हम पहुंच चुके हमारे साइट पे, और गाइस मैं क्या कह रहा था कि CBO का पैसा अभी तक नहीं डाला हमारा। तो हाँ गाइस, अभी नहीं डाला क्योंकि पता नहीं, और भीड़ी सफाई का भी पेमेंट नहीं डाला, बाकियों का तो डल गया है यहाँ से सीधा। और आज दूसरे काम पे आया हूँ मैं, अब इसका भी पता नहीं डलता है कि नहीं डलता पैसा। भगवान के भरोसे आया, भगवान के भरोसा आया हूँ, देखो क्या होता है। यहीं से करना है क्या सफर? तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, जैसे विजय भैया हमारे स्टार्ट कर। बता तो करके तो देखा कैसा कर रही था। तो चलिए, अब सीधा खाना खाते समय मिलेंगे आपसे। तो गाइस, अभी हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि लगभग 2:30 बज चुके हैं, और हमने यहाँ पर ये काम किया है, रास्ता बनाए ताकि ये माल आसानी से ट्रक वाले उठा सकें। और गाइस, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये सरकार कहती है कि जन्मदिन पे 10 पेड़ लगाएं लगभग, और एक अभियान भी चलाते हैं कि पेड़ ना काटें पेड़ लगाएं। सरकारी पेड़ कटवा रही, मुझे समझ में ना आता क्यों। आप कमेंट करके बताना कि सरकार ऐसा क्यों करती है, हम गरीब लोगों के साथ हमारे जंगल छीन के खुद का बताती है। गाइस, ये रही हमारी गाड़ियाँ, और यहाँ टिफिन है, इसको लेके जाना है उधर, क्योंकि थप्पी पे बैठ के खाना खाएंगे हम। ये रख लिए हमारे टिफिन, तो चलो उधर ही चलते। ये रहा थप्पी, इसके ऊपर हम बैठ के खाना खाएंगे, और आज हमने खाने पे क्या लाया वो भी देख के बताते हैं आपको। क्या खा रहा है यार? दाल की सब्जी। अरे लंबे लंबे क्या दिख रहे हो तेरे दाल के अंदर? और अकेले अकेले खा रहे थे? तुम भी खाना रखो साइड में मोबाइल। और जीजा, तुम कब खाओगे खाना? तुम्हारी बहन ने सही कहा, झाटे ने चकना बना दिया। अरे झाटा है जीजा, ये झाटा में सेम ही है। हाँ, ये झाटा में सेम ही सेमिला है, मतलब मध्याह्न भोजन में यही है। ठीक है सेमल तीन भी खाएंगे ना जीजा, अभी ले आओ ना, तो आराम से पहुंचे। हां भाई के ना साला इधर हड़बड़ चले, फदड़ रोड भी देखो तो कट्टर कल कुदाली लाना। गाइस, खाना हमारा खा के हो चुका है, और हम यहां पंचायत पे बैठे हैं। बोल भोसड़ी तो पंचायत चल रही है कि नहीं अपनी तीनों की यहां पर? गाइस, हमारी पंचायत खत्म हो चुकी है, और हम पहुंच चुके हमारे साइट पे, काम पे भी लग चुके हैं। तो फटाफट करते हैं, सीधा मिलते हैं आपसे घर जाते समय। ले खींच रहे भाई, अभी खाना खाया है ना? गाइस, हम फाइनली घर के लिए निकल चुके हैं, और हम अभी मौजूद है धामन मंडा के टावर पे। यहाँ थोड़ा काम था इसलिए आए थे,
और हमें इधर शेर के भी पंजे देखने मिले। इतने दिन तो काम पे आए लेकिन शेर देखने को नहीं मिला। दूर के लोग आते टूरिस्ट बन के हमारे जंगलों पे घुसते हैं, पता नहीं क्या देख के जाते, हमें तो कुछ दिखता नहीं वैसे। तो चलिए चलते हैं घर अब। गाइस हम गांव के अंदर पहुंच चुके हैं और इसी के साथ हम ब्लॉग को यहीं करेंगे एंड, क्योंकि लोग हमें पागल समझेंगे उधर जाएंगे तो। तो चलिए विजय भैया, विजय भैया का घर यहाँ थोड़े पास पे है। तो गाइस हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।